चलिए अब बात करते हैं सियासत की। बीएसपी में एक बार फिर दरार दिखने लगी है। बीएसपी विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा के लगाए आरोप के बाद हाथी वाली पार्टी में हलचल मच गई है। हालांकि बीएसपी विधायक दल के नेता ने पैसे लेकर टिकट देने के आरोपों को नकार दिया है और सबूत की मांग भी की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीएसपी विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने एक बार फिर अपनी पार्टी के लिए परेशानी पैदा कर दी है। बोल दिया है कि पैसे लेकर बीएसपी में टिकट दिए जाते हैं। ऐसे में गुढ़ा ने सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती की कार्यप्रणाली पर आरोप जड़ दिए। हालांकि बीएसपी विधायक दल के नेता लाखन सिंह मीणा ने आरोप नकारते हुए पैसे देने के सबूत अपने विधायक से मांगे। दरअसल पिछले गहलोत सरकार में बसपा के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे और गहलोत सरकार के निर्माण में मदद की थी। उस वक्त राजेंद्र सिंह गुढ़ा मंत्री बनाए गए थे। जन समाज पार्टी के अंदर पैसे लेके टिकट दिया जाता है क्या, और उसमें ज्यादा पैसे और दे देता है तो उसका टिकट कट के दूसरे को मिल जाता है, फिर तीसरा और ज्यादा दे देता तो दोनों का कट के तो आगे हो जाता, तो इसका आपके पास कोई उपाय क्या? भाई राजेंद्र जी ने जो कहा है ये उनको पर्सनल उनकी सोच है और उनके साथ में किसने पैसा लिया है किसको दिया है। हम तो ये कहते हैं कि वो सारी चीजें मीडिया के सामने आए तो ज्यादा ठीक है, जिससे कि सबको पता लगे। अब कोई लाछन लगा है वो एक ये कह दिया कि भाई ये किया है, वो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। बाकी तो सारा बता दें कि भाई प्रभारी जी ने इतना पैसा लिया है, फलाने ने इतना पैसा लिया है, वो भी एक चीज बतानी चाहिए। बाकी उनकी पर्सनल सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। और पार्टियों में हर पार्टी की अलग अलग नीतियां हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग सोच है। और बाकी तो आप जानते हो राजनीति में कोई अपना स्टेटमेंट दे देता है, वो पर्सनल सोच है। वहीं बसपा विधायक जोगेंद्र आवासा ने बयान को राजेंद्र सिंह गुढ़ा की निजी सोच बताया। साथ ही बसपा विधायक वासिफ अली ने भी दावा किया है कि पार्टी ईमानदार और साफ छवि वाले उम्मीदवार को टिकट देती है, टिकट के लिए कोई पैसा नहीं लिया। देखिए राजेंद्र गुढ़ा साहब हमारे बहुत सम्मानित और बड़े भाई और विधायक हैं और सीनियर लीडर हैं। मैं समझता हूं कि जो बयान गुढ़ा साहब ने दिया है वो बयान गुढ़ा साहब का हो सकता है, लेकिन मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग हैं, अन्य साथी भी हैं, और अब किस तरीके से उन्होंने दिया ये तो गुढ़ा साहब जवाब देंगे और इस बात का कि भाई क्यों इस तरह का बयान दिया। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की जो चीज़ है, जो आपने मुझसे जो जानकारी चाहिए, इस तरह का कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय नेता एन कुमारी मायावती जी हैं और हम केवल राजस्थान ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी हमारे विधायक हैं, यूपी में भी हैं, और इस तरह की चीज़ मेरी कोई जानकारी में नहीं है। देखिए अब ये तो उनका क्या कहते हैं, इनका क्या अनुभव है तो आप उन्हीं से पूछेगा, लेकिन मेरी जानकारी में इस तरह कोई बात नहीं है। मैंने खुद पार्टी से चुनाव लड़ा है, इस तरह का कोई मैटर नहीं है। वहीं बीजेपी विधायक अभिनेश महर्षि ने एक तरफ से बसपा नेतृत्व का पक्ष लिया, कहा कि बसपा पदाधिकारी ने उनसे भी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने उनसे पैसे की मांग नहीं की। महर्षि खुद बसपा के टिकट पर शुरू से एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। उधर बीजेपी विधायक सतीश पूनिया ने कहा कि लगता है कि धनबल को रोकने के लिए चुनाव आयोग को काम करना चाहिए। देखिए बसपा से जब मैं चुनाव लड़ा तो मेरे घर पर 3 दिन रतनगढ़ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष और इनके प्रभारी जी 3 दिन बैठे रहे थे और उन्होंने मुझे कहा था कि बसपा से आप लोकसभा का चुनाव लड़िए। इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, न कोई कभी पैसे की बात की, न पहले की, न बाद में की। अब राजेंद्र बुड्ढा जी स्वयं जाने वो किस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है, मेरा इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं। बहरहाल बसपा दल नवीन सियासी घटनाक्रम से जूझ रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि बसपा के शीर्ष नेतृत्व का क्या रुख रहता है। पर्शनिया के लिए ऐश्वर्या प्रधान, नरेश शर्मा, ऋतुराज शर्मा के साथ योगेश शर्मा की रिपोर्ट। और विधानसभा